गुड मॉर्निंग बच्चों, कल जो है सो हम लोग बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न कर रहे थे। उसमें जो है सो ये सब 12 नंबर तक क्वेश्चन आंसर हो चुका था। उसके आगे हम आज 113 नंबर क्वेश्चन के आंसर करने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक। देखिए जो सो 113 नंबर दिया है कि बिहार राज्य में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। हमारे बिहार में सर्वाधिक जो है किस बैंक की शाखाएं हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की क्या है सर्वाधिक शाखाएं हैं, उसमें इसको लिखते हैं SBI के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद 114 नंबर में है सर्वाधिक महिला साक्षर वाला, और यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, महिला साक्षर वाला कौन सा जिला है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षर वाला कौन सा जिला है, तो मुंगेर जिला जो है सर्वाधिक हमारे बिहार में महिला के द्वारा जो है सो सर्वाधिक साक्षर जिला है, ठीक है। उसके बाद 115 में है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो जो है सो शिवहर, क्या लिखे हैं, शिवहर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, ठीक है। उसके बाद 116 नंबर है बैसाख पूर्णिमा के दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है सो बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो बुद्ध जयंती लिखे हैं, बुद्ध जयंती, ठीक है। उसके बाद 117 नंबर है मगधी भाषा किन किन जिलों में बोली जाती है। जो मगधी जो भाषा है वो जैसे गया और पटना में बोली जाती है, ठीक है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिला की जनसंख्या सबसे अधिक है। जो 2011 में जो जनगणना हुआ है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला की है, तो पटना का, ठीक है। उसके बाद 119 नंबर 17वीं शताब्दी में लिखे हैं 17वीं शताब्दी के बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। जो है 17वीं शताब्दी में जो सोना का उत्पादन, सोना का खदान जो था पटना में पहले उसका उत्पादन किया जाता था। और लिखे हैं 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी, वो पटना में, ठीक है, पटना में स्थित था, ठीक है। इसके बाद बिहार में सर्वाधिक किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। वो जो है सो समस्तीपुर में जो है सो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पहले किया गया था। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना था, ठीक है। ये जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कितने मार्क देता है पूछ देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 61.8%, क्या चीज लिखेगा, 61.8%। उसके बाद 122 नंबर है लाल मिट्टी बिहार के किस घाट में मिलती है। तो जो सो बिहार के जो सो गंगा नदी के दक्षिणी भाग में मिलता है। हम लोग जो सो बिहार के किस दिशा में, हम लोग जो सो उत्तरी दिशा में, उत्तरी भाग में है, ठीक है। और गंगा के उस पार जो सो दक्षिणी भाग का होता है, ठीक है। तो दक्षिणी भाग में जो सो लाल मिट्टी जो है सो बिहार में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 123 नंबर है कि बिहार में सर्वाधिक
क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? मैं बिहार में सर्वाधिक जो फसल बोई जाती है वो धान, याद रखिएगा कौन सी फसल जो सर्वाधिक क्षेत्र में धान की फसल बोई जाती है। उसमें बिहार में स्थित सर्वाधिक जूट, जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? जूट, जूट पटसन जो होता है वो सर्वाधिक किस जिला में उत्पादन होता है? तो पूर्णिया, पूर्णिया कटिहार उधर जो है सो क्या किया जाता है, सर्वाधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। और इसको आप लोग विस्तार पूर्वक लिख लीजिएगा और फेयर की कॉपी में बना लीजिएगा और अच्छा से याद करने का कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए।